दिल्ली में साप्ताहिक बाजारों में भी सब्जियां अब महंगी बिक रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वसंत कुंज इनक्लेव की, जहां पर साप्ताहिक बाजार लगता है। जी हां, यहां पर बृहस्पतिवार के दिन साप्ताहिक बाजार लगता है, लेकिन यहां पर भी सब्जियां महंगी हैं, वो हरी सब्जियां हों या आलू और प्याज। जी हां, आलू और प्याज भी यहां पर भी महंगा है। 70 रुपये से 60 रुपये किलो के करीब जो है यहां पर प्याज बिक रहा है, साथ ही आलू भी 50 रुपये किलो बिक रहा है। तो साप्ताहिक बाजारों में भी महंगाई है वो देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से दुकानदार जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ये सामान पीछे से महंगा आ रहा है। साथ ही साथ जो इसके खरीदार हैं वो अभी इन सामानों को कम खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वसंत कुंज इनक्लेव के साप्ताहिक बाजार की, जहाँ पर ये साप्ताहिक बाजार लगता है। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो सब्जियाँ ये भी महंगी बिक रही हैं, जिसकी वजह से लोग सब्जियों को कम से कम ले रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार राजधानी दिल्ली के अंदर आलू और प्याज जो है वो महंगा होता हुआ जा रहा है, और साप्ताहिक बाजारों में भी प्याज जो है 70 से 60 रुपये किलो बिक रहा है, वहीं आलू 50 रुपये किलो बिक रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आलू और प्याज के जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकानों को सजा रहे हैं, लेकिन जो दुकानों पर जो ग्राहक हैं वो बेहद कम पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो महंगाई की मार है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। लोगों का जहाँ बजट ख़राब हो रहा है, वहीं दुकानदारों के पास भी ख़रीदारी करने के लिए लोग कम पहुँच रहे हैं। जबकि साप्ताहिक बाज़ार में सब्जियाँ सस्ती मिलती हैं, लेकिन आपको बता दें कि अब साप्ताहिक बाज़ारों में भी सब्जियाँ जो है महंगी बिकती हुई नज़र आ रही हैं। अपना नाम बता दो। मेरा नाम है जवाहर जी। अभी ये प्याज के रेट कितने हो गए? प्याज का रेट हो गया 80 रुपये, 70 रुपये, 60 रुपये सावा बिकता है प्याज। वहाँ जो है ना मंडी में ही 2100-2200 रुपये मन प्याज है। 7% लगता है, 7% सबसे महंगाई है। 7% हट जाएगा ना, ये महंगाई नहीं रहेगा। क्यों 7% क्यों लगता है? हाँ लगता है, सरकार को जाता है। केजरीवाल किया है, मोदी किया, जो भी किया, हम लोग तो पब्लिक, आम पब्लिक है, देखने वाले बंदे हैं। उसमें क्या है, उसमें ले जाता है ये, इसमें 7% हट जाएगा, सीधा 100 रुपये ऊपर उछाल मार गया। ये जो पब्लिक को आगे कम मिलेगा तो यहाँ पे भी तो कम मिलेगा। यहाँ पे पब्लिक को वहाँ चोस लेता है, गरीब आदमी को चोस लेता है। लॉकडाउन में पैसे नहीं है, खाएगा कहाँ से लोग? ये चीज को होता ही नहीं, क्या करेगा लोग पब्लिक, ये बताया पहले तो ऐसा होना चाहिए ना। ये चीज इतना महंगाई, इतना सब कुछ है, जैसे प्याज हो गया, आलू हो गया। आलू गया था आजादपुर तो वहाँ पे कहता है 27 रुपये बोरी है, 26 रुपये बोरी है। ये तो आर्थिक की कमी है, कहाँ से पूरा करेगा? तो लोग क्या करेगा, पब्लिक मानता ही नहीं है, पब्लिक लाएगा ही नहीं, खाएगा क्या? तो वैसे लॉकडाउन में पैसे नहीं है पब्लिक के पास में, परिवार पैसा रहेगा तब तो खाएगा, जब पब्लिक के पास में पैसे नहीं तो खाएगा कहाँ से? ये चीज को सोचो तुम, देखा ये खाने खाता है लोग। केजरीवाल ने ये नहीं, यहाँ का उगाई है 500 रुपये, इस एरिया के अंदर में 500 रुपये लगता है, 400 रुपये लगता है, 300 रुपये लगता है, 200 रुपये लगता है, लेकिन ये उगाई नहीं उतना होना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लगता है क्या करेंगे हम लोग? रितेश नाम है मेरा। जैसे कि आप आज आलू लेने के लिए आए हो, क्या रेट चल रहा है आलू का? 50 बताया, 50 रुपये किलो है, 60 रुपये किलो है। दिन पे दिन महंगाई होती जा रही है, आम लोगों का बजट बिगड़ता जा रहा है, तो उसके ऊपर आप क्या बताना चाहते हो कि सरकार को क्या बोलना चाहते हो? ये बोलना चाहेंगे कि सरकार को प्राइस कम करना चाहिए। हर आदमी अमीर नहीं होता, मिडिल क्लास होता है, सबको एक बजट में खरीदे ऐसा प्राइस होना चाहिए, और हर सब्जी कम होना चाहिए। दिन पर दिन बढ़ा रहे हैं, ऐसा अर्थव्यवस्था भी बहुत डाउन हो रही है, इकोनॉमी की धज्जियां उड़ रही हैं। तो यही होना चाहिए कि हर आदमी खरीद पाए, हर आदमी के बजट में हो, और किसी चीज़ का प्राइस ना बढ़ाए। प्राइस बढ़ाना है तो वैसे इतना करप्शन हो रहा है, उसके चक्कर में प्राइस बढ़ा देते हैं। तो प्राइस इस हिसाब से बढ़ाना चाहिए जो हर आदमी को कम्फर्ट हो सके इसमें। ठीक है।